तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ई मेजर स्केल को पियानो पे दोनों हाथ से कैसे प्ले करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना, ताकि एकदम अच्छे से ये स्केल को सीख सको। तो पहले मैं आपको प्ले करके बताता हूँ, देन उसके बाद डिटेल में आपको समझाते जाऊँगा कि कैसे प्ले करना है। स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कि मैंने पियानो बेसिक्स के ऊपर डेडिकेटली एक वीडियो बनाया है, जहाँ पे मैंने पियानो के जो बेसिक पार्ट्स है वो कवर किए हुए हैं डिटेल में, जैसे कि नोट्स हो गए, शार्प्स हो गए, फ्लैट्स हो गए, फिंगर पोजीशंस हो गए। तो अगर आपको ये सब टर्म्स नहीं पता तो आप जाकर पहले वीडियो देख लो, क्योंकि मतलब वो सब टर्म्स आज ये वाले वीडियो में भी यूज़ हो गए, तो फिर आपको आगे और कन्फ्यूजन होगा। तो इसमें बेटर है कि आप पहले वो वीडियो देख लो और उसके बाद ये वाला वीडियो देखो। तो जो वीडियो की लिंक है आपको यहाँ पे आई बटन पर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले हम ई मेजर स्केल के नोट्स को देख लेते हैं कि कौन कौन से नोट्स यूज़ किए हमने। सो इसमें भी ई मेजर स्केल तो स्टार्ट होगा ई से, एंड होगा ई पे। ओके, सो पहले हम नोट्स देख लेते हैं। सो फर्स्ट नोट होगी ई, देन सेकेंड नोट होगी एफ शार्प, थर्ड नोट होगी जी शार्प, फोर्थ नोट होगी ए, फिफ्थ नोट होगी बी, सिक्स नोट होगी सी शार्प, सेवेंथ नोट होगी बी शार्प, एंड लास्ट नोट होगी ई। वापस देखते हैं नोट्स। ई से स्टार्ट होगा ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए, बी, सी शार्प, बी शार्प, ई। ओके, तो ये नोट्स क्लियर हो गया। अभी हम पहले राइट हैंड को सीखेंगे। सो राइट हैंड को स्लोली ई मेजर स्केल कैसे प्ले करेंगे देखते हैं। तो इसमें भी स्टार्ट होगा आपका थंब से, यानी कि वन। सो राइट हैंड होगा, राइट हैंड का जो वन होगा वो आपके रूट नोट पर, जैसे कि ई। तो वन, तो ई प्ले करेंगे वन से, देन एफ शार्प प्ले करेंगे टू से, जी शार्प प्ले करेंगे थ्री से, देन ए करेंगे वन से। तो नीचे से आएंगे ए पे वन। ओके, सो देखते हैं, वापस देखो ई पे स्टार्ट करना है। तो वन, एफ शार्प करेंगे टू, जी शार्प प्ले करेंगे थ्री, अभी वापस वन से प्ले करना है। तो नीचे से आएंगे ए करेंगे वन से। ओके, देन बी प्ले करेंगे टू से, सी शार्प प्ले करेंगे थ्री से, बी शार्प प्ले करेंगे फोर से, एंड जो लास्ट वापस ई प्ले करेंगे फाइव से। ओके, सो वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव। वापिस देखते हैं, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव। ओके, अभी इसी को रिवर्स में भी प्ले करना है। सो ई पे आएगा फाइव, डी शार्प करेंगे फोर, सी शार्प थ्री, बी टू, इको करेंगे वन, अभी इसको थ्री से करना है। तो ऊपर से आएंगे जी शार्प थ्री, एफ शार्प टू, एंड ई वन। सो स्लोली देखते हैं इसको भी, फाइव फोर थ्री टू वन, देन थ्री टू वन। वापस देखते हैं, फाइव फोर थ्री टू वन, थ्री टू वन। तो राइट हैंड को पूरा आपको स्लोली प्ले करके बता देता हूँ। सो वन टू थ्री, वन रिवर्स, फाइव फोर थ्री टू वन, थ्री टू वन। वापस लिख लेते, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव फोर थ्री टू वन, थ्री टू वन। ओके, सो राइट हैंड आपका क्लियर हो गया। अभी बात करते हैं लेफ्ट हैंड से। सो लेफ्ट हैंड में भी पहले फाइव से स्टार्ट करेंगे। सो ई होगा आपका फाइव पे, तो फर्स्ट ई प्ले करेंगे फाइव से, देन एफ शार्प प्ले करेंगे फोर से, जी शार्प प्ले करेंगे थ्री से, ए प्ले करेंगे टू से, बी प्ले करेंगे वन से, एंड अभी सी शार्प प्ले करेंगे थ्री से। तो ऊपर से आएगा सी शार्प थ्री, बी शार्प प्ले करेंगे टू, एंड वापस ई प्ले करेंगे वन से। सो ये देख लेते, फाइव फोर
अभी 3, 2, 1 वापिस देख लेते हैं 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1 ओके क्लियर। अब इसी को वापस प्ले करना है रिवर्स में, सो 1, 2, 3 अब इसको 1 से प्ले करना है, तो नीचे से आएंगे बी पे आएंगे 1, 2, 3, 4, 5 वापस देखते हैं 1, 2, 3 अभी इसको नीचे से आना है 1, 2, 3, 4, 5 अभी लेफ्ट हैंड भी आपको स्लोली एक साथ प्ले करके बता देता हूँ। तो स्टार्ट करेंगे 5 से, सो 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 वापस देख लेते 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 अभी लेफ्ट हैंड भी आपका इंडिविजुअली क्लियर हो गया। अभी आपको दोनों हाथ से प्रैक्टिस करना है साथ में प्ले करने की, तो राइट हैंड आपको बताया वैसे ही प्ले करना है, लेफ्ट हैंड भी वैसे ही प्ले करना है, बट अभी खाली साथ में प्ले करना है। तो आपको दोनों हाथ स्लोली अब एक बार प्ले करके बता देता हूँ, फिर आपको आपके हिसाब से पियानो पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो देखो इसे स्टार्ट होगा, सेकेंड नोट, थर्ड नोट, अभी राइट में चेंज है, अभी लेफ्ट में चेंज है, अभी रिवर्स में, आपको यहाँ पे फिंगर नोटेशन राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों के दिखते हो गए, तो आपको देखते प्ले करना है। देखो आपको वापस प्ले करके बता दो, तो आपको इसको टेम्पो के साथ प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। टेम्पो सेट करो 60 से स्टार्ट करो, फिर 60, 80, 100, 120 जा तक भी जा सकते हो, प्रैक्टिस करो। तो यहाँ पे हम सक्सेसफुल इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो में कोई भी डाउट या क्वेरीज हो तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर मेरे को व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो, जो मेरा व्हाट्सएप का नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन कर लेना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।